नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं यूएफसी लाइव टीवी। लखनऊ में एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गुंजा काकोरी, कई राउंड फायरिंग से क्षेत्र में मचा हड़कंप। वर्दी का कोई खौफ ही नहीं, निडर हो कर दिया गया बड़ा अंजाम। काकोरी क्षेत्र ग्राम गुरुदीन खेड़ा में युवक को मारी गई गोली। दिन दहाड़े गोली चलने के इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश फरार हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार काकोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम जीवन उम्र 55 वर्ष शनिवार की दोपहर करीब 4 बजे के आसपास अपने काम पर से वापस घर जा रहा था। जैसे ही वह काकोरी स्थित मौला चौधरी के पास पहुँचा ही था, तभी अज्ञात लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दी। 3 राउंड गोली चलने से भय का माहौल। राम जीवन नामक व्यक्ति के लगी गोली। राम जीवन मनरेगा में करता था कार्य। राम जीवन के सर में लगी गोली। गोली मारने वाला युवक शमशेर बहादुर यादव गांव का ही निवासी बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल राम जीवन को पहुंचाया ट्रॉमा सेंटर अस्पताल, जहां अस्पताल पहुंचते ही इलाज के दौरान राम जीवन की हुई मौत। गांव में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद। राम किशोर यादव, लखनऊ ब्यूरो चीफ की खबर। राम जीवन जो थी गुरुदीन खड़ा कस्बा काकोरी के रहने वाले और दूसरे व्यक्ति का नाम शमशेर यादव आया, इनका कुछ विवाद था और ये लोग उन्होंने जो है कार्य किया है। लेकिन इन्हें यहाँ से मृत घोषित कर दिया गया। समस्त विधिक कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही सबका पंचायत नाम है। कितने राउंड गोली चली है सर, कहाँ कहाँ गोली? अभी इसका पंचायत नाम और पोस्टमार्टम जो होगा उसमें स्पष्ट पता चलेगा कि कितने राउंड गोली चली है। और सर, इन लोगों का पहले से विवाद चल रहा था या आज ही कोई विवाद हुआ था? उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है कि उनका कोई पहले से विवाद था। अभी ये एकदम तुरंत की घटना है। अभी ये पता चला है कि ये मनरेगा में काम करते थे और वो पूर्व प्रधान। अभी सारी चीजों की ऐसा बताया गया है। हमारी टीम मौके पे है और हम आवश्यक विधि कार्रवाई। डॉक्टर डॉक्टर ब्रॉड डेड है ना, तो अब तो पोस्टमार्टम के बाद ही इसकी स्पष्ट होगी, पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए यूएफसी लाइव टीवी।